औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैं आपको चाय 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 नमक हराम, मोदी उसने सिर लगा दी इंडिया की, और ये वीडियो मैं कल अधूरा बनाया था, अब उसको मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अल्लाह की निशानियाँ दूंगा, तो अल्लाह को पहचानने का तरीक़ा भी है। देखो, अल्लाह नज़र नहीं आता, अब उसको तलाश करना है, और जिन्होंने भी तलाश किया अल्लाह उसको मिल गया। जिसको भी इसके बाद की ज़िंदगी चाहिए उसको मंजिल मकसूद मिल गई। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि इंसान को ज़िक्र करते हुए, मुझे ज़िक्र करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास 30 साल से मैं ज़िक्र में हूँ, और बचपन में मैं सुना था खाजीपेट में हमारे अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हनमकोंडा वरंगल खाजीपेट, ये एक ही शहर के नाम है, लेकिन MLA के वक्त या MP के वक्त थोड़ा सा जो है हिस्से को बांट दिया जाता, मगर खाजीपेट में अफजल बियाबानी है और माशूक रब्बानी वरंगल में है, और दरिया दरमियान हनमकोंडे में अब्दुल नबी शाह साहब है। तो मैं वली अल्लाह का ज़रूरत से ज़्यादा ईमान इस वास्ते रखता था कि ये लोगों ने अपने आप को भूल कर, नफ्स को मार कर, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमईन को पा लिया था। तो अब इसकी हकीकत मेरे अंदर कैसे आना, खुशी कैसे आना। खासपेट की दरगाह में एक वली है हमारे वली बाबा, वो हाथ में चूंटा लेकर जो है खुशी से झूमते थे, बताए। तो मैं वो एक हकीकत मेरे अंदर आना बोल के, मेरे पास बचपन से हसरत थी, इस हसरत को अल्लाह ने चंद दिनों से, जब भी मैं महसूस करता हूँ अंदर एक लड्डू फूट रहे जैसे, खुशी आ रही जैसे, एक इत्मीनान आ रहा जैसा, एक सुकून आ रहा जैसा, और एक यकीन आ रहा जैसा कि अल्लाह है, मेरे अंदर है, भले दूसरा नहीं पहचान रहा, वो शैतान है, उससे मुझे सरोकार नहीं है, मेरी ज़ात से मेरे को सरोकार है, और मेरी ज़ात के अंदर मेरा अल्लाह है। ये खुशियों से गवाही देता हुआ दोबारा होने वाला मेरा तसव्वुर है। ये खुशी इंसान के अंदर आती है, इसको जो महसूस करता है उसी के पास अल्लाह की खुशियों का आंखों में नूर भी रहता है, नमाजों में नूर रहता है, कुरान पढ़ते वक्त नूर रहता है, जिक्र करते वक्त नूर रहता है, चलते फिरते नूर रहता है। ये एक हकीकत मेरी ज़ात के अंदर देखा मैं। दूसरा, ये अभी एक पाकिस्तान का जो इमरान रिज़ाइन करने के, यानी उसकी हुकूमत को ख़त्म करने के बाद, पहला या दूसरा जो बहुत बड़ा जलसा हुआ पाकिस्तान में, उसमें एक लड़का दाढ़ी वाला यंग है, उसने बताया कि इंसान दुनिया में कितने दिन रहता। अल्लाह की शान है, ये बात सिर्फ ईमान वाले सोचते हैं। आप, मैं दावे से कह रहा हूं, आप पूरे लीडर्स को चेक करो, या फिल्मी दुनिया के एक्टर्स को चेक करो, या स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटीज एथलीट्स को, इनको जो है चेक करो, ये दुनियावी दिमाग के, दुनियावी तबीयत के, दुनिया की ज़िंदगी लुत्फानंदोज़ होने वालों को ये आखिरत की फिक्र नहीं रहती। इसके बाद मैं मरने के बाद क्या होगा ये उनके पास नहीं रहता। तो लड़के ने ये एहसास दिलाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम दुनिया में 25 बार अगर से
मौत को याद करोगे तो दुनिया की मोहब्बत नहीं रहेगी। बताए अब सवाल ये उठता कि जर जेवर जमीन का रोना है, वो मरते तक इंसान के पास से नहीं जाता। लेकिन जो अल्लाह के ऊपर शाकिर है और वो जिक्र वाला है और जो है नमाजी परहेजगार है, तो उसके पास मौत का लखलखा हर वक्त उसके अंदर लगा रहता। अब मैं मोदी की तरफ आने के लिए आपको एक और बात बता रहा हूं। आप अमेरिका के अंदर बर्नार्ड शॉ 1905 या 9 के वक्त, फिर उसके अलावा सदर जो थे अमेरिका के अंदर, वो लोगों ने कुरान पढ़ा और उनके लाइब्रेरियों में कुरान थी और उनके घरों में भी कुरान निकली। इसकी खास वजह क्या है कि यूरोप ईसा अलैहि सलाम को पैगंबर से ज्यादा समझकर बेटा बना दिया, पैगंबर से ज्यादा समझकर खुदा बना दिया, भगवान ईश्वर गाड बना दिया। लेकिन कुरान ने अमेरिकन सदर्स को 100 साल से ये बात उनके अंदर डाल दी, सदर जितने भी सदर थे अमेरिका के अंदर, के ईसा अलैहि सलाम सिर्फ पैगंबर है, कुरान जो है उनको गवाही दे रहा बुक के तौर पे। वो जमाना बुक का था, अब ये जमाना टेक्नोलॉजी का है। तो अल्लाह कुरान का जो बोलना है, अब ये टेक्नोलॉजी बोल रही पूरी दुनिया में कि हमने ईसा को पैदा किया। इस वास्ते ये बात को तुम अमेरिकन जल्दी समझते, हिंदू नहीं समझता। ये मैं मोदी की तरफ आने से पहले बता रहा हूं। और एक निशानी मैं बता दूं आपको, हमारे ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा के नागपुर के ताजुद्दीन बाबा का इंतकाल हुआ, 40,000 जनाजे में लोग शामिल हुए। ये फरिश्ते भी आ जाते हैं, ये अल्लाह के चाहने वालों की बहुत बड़ी निशानी। आज तक यही सिलसिला है। मेरे दोस्त मोइस करीमनगर के, उनके वालदा का इंतकाल हुआ, उसने मुझे बताया, बाखर भाई क्या बोलूं, मेरी वालदा की मैयत में पूरी जो हमारी कब्रिस्तान की जमीन में पूरे बॉर्डर्स पूरे भर गए थे। मैंने कहा कि आपके वालदा नेक थे, फरिश्ते आ जाते हैं। फिर उसके बाद इमाम हम्बल को शहीद कर दिया गया, 8,00,000 लोग जनाजा पड़े, 8,00,000 उस जमाने में, 200-400 साल पहले की बात है ये, 8,00,000 लोग। और इमाम हम्बल का 8वीं सदी का कुछ या कुछ है वाकिया, तो उनके जनाजे पे 8,00,000 लोग थे और उसी वक्त 50,000 लोग कलमा पढ़े, इस्लाम में दाखिल हुए। ये हकीकत है। अब प्रेजेंट की बात करो, 3 साल पहले मैं मेरा वीडियो बनाया, एक बांग्लादेश में अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ, पिक पर था कोविड-19, जैसे अब फिर से पिक पर है कोरिया में, चाइना में, इंडिया में। इंडिया में अभी भी लोग मर रहे हैं, जितेंद्र वो कोविड का पेशेंट है, अब उसकी बेटी कोविड पेशेंट है, एकता कपूर और एक सुनील बोल के हमारा तेलुगु का एक्टर कोविड-19 से अभी मरा। तो मगर वो 3 साल पहले जो पिक पर था, स्टार्ट जो हुआ बांग्लादेश में, तो वो अल्लाह वाले का इंतकाल में 1,00,000 लोग जनाजे में थे, जबकि सोचो लोग 6 फुट पीछे रहना बोल रहे थे, डिस्टेंस कायम करो बोल रहे थे। तो ये एक निशानी मैं बता रहा हूं 1,00,000 की, अल्लाह के हो गए तो जनाजे में आते हैं। ये पहचान है मोमिन की, मोहसिन की, आबिद की, गाजी की, शोदा की, सिद्दीकीन, आरिफीन, आबिदीन की, मुखरब बंदों की। उसके चंद दिन बाद, 2 साल पहले ही
अमेरिकन डॉक्टर यानी अमेरिका की डॉक्टर जो मुस्लिम बहन थी, पाकिस्तान की थी, उनकी खिदमत से लोगों ने उनको इंतकाल के ऊपर कोविड-19 से ही मरे हो, क्योंकि लोगों का इन्फेक्शन हो गया था उनको। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अगर किसी को इन्फेक्शन है तो आप दुआ कर लो पेशेंट के पास जाने से पहले, आपकी अल्लाह हिफाजत करता। हर निशानी अल्लाह की हमारी दीन में, और तरीक़ा भी बताया गया कि क्या करना है पेशेंट का निगेबा मरवे खातून बहन शायद अल्लाह से दुआ नहीं कर लिया होगा, इस वास्ते इंतकाल हुआ। लेकिन उनके इंतकाल पर खलखत पूरी दुनिया उमड़ आई। उनको जब विदा किए तो ऐसे गलियों में लकारें फूलें, उनका जो पुरसा देने का तरीका है जैसे प्रेसिडेंटों को देते वैसा दिया गया, ये भी एक निशानी है। अब जो मैं निशानी बता रहा हूँ उसके ऊपर गौर करना कि पार्ट वन जो मोदी का है उसी से रिलेटेड है। देखो आज तक मैंने इंडिया के इतने एंकर से खिलाफ बोलने वाले बीजेपी और आरएसएस और बजरंग के, ये शैतानी पार्टी है बोल के हिंदू खुद बोलने वाले, उन लोगों ने आज तक ये नहीं बताया कि गुजरात क्यों इंपॉर्टेंट है। 8 साल में गुजरात में अंबानी को बिजनेस दिया जा रहा, गुजराती अडानी को बिजनेस दिया जा रहा, और गुजराती पैसा लेकर 35,000 तक मशहूर बिजनेसमैन पैसा लेकर पूरी दुनिया में चले गए, माइग्रेट हो गए। क्यों दूसरे ममालिक मुंतकिल हो गए पैसा लेकर? इंडिया को क्यों ब्रिटिश लूटा था या मुगल लूटे थे या आर्या द्राविड़ी इस तरह के जो बेशुमार इंडिया में आए थे वो लूट कर लेके चले गए, बोले इंडिया के हिंदू बोलते, हिंदू की तारीख हिंदुस्तान की तारीख पूरी बाहर के आने वाले हिंदू मजहब के नहीं थे, सबसे बड़ी निशानी दे रहा हूं मैं आपको। लेकिन अब क्या हुआ, गुजराती 35,000 बिलियनर्स मिलियनर्स जो इंडिया के हिसाब से एक अच्छा बैंक अकाउंट जो वो लोग जाके दूसरे कंट्रीज में सिटीजनशिप ले सकते क्योंकि शो करना होता है बाज मुमालिक में, पैसा तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाती है, एक लिमिट बताते हैं वो लोग यूके में या अमेरिका में या कनाडा में इस तरह की। तो आपको मैं एक हकीकत दे रहा हूं कि गुजराती क्यों 8 साल से मोदी की वजह से जो है इंडिया को बर्बाद कर दिए। अडानी ज़कात नहीं देता, वो थोड़े दिन में आप मेरी पूरी बातें सही हुई है, आप 12 साल के मेरे वीडियो देख लो, सिर्फ 20-22 दिन बाकी है 12 साल होने मेरे वीडियोस को, और मैं ना तो नाम देता, मेरी उर्फियत बताता, मैं नाम कभी नहीं बताया, और मैं कभी पैसे का दीवाना नहीं था। ये वीडियोस बनाने के वक्त में मैं कमर्शियल वीडियोस बोल के नहीं बोला, और मेरे 4 कैमरे जो मैंने यूज़ किया उसमें एक कैमरा $700 मेरे को सिर्फ वो खांस के वीडियो की वजह से मेरे को पैसा मिला, या 2-3 वीडियो मिलियन गए, 2-4 मिलियन तक गए तो पैसा मिला, वरना पूरे 10 साल से मेरे को एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिल रहा। और 4 मैंने कैमरे सिर्फ मेरे दीनी इस्लाम के खातिर मैंने अपना पैसे का नुकसान कर दिया, वक्त दे दिया, जिंदगी का बेहतरीन वक्त देकर मैं कूट कूट के मर गया कि अल्लाह की तरफ आ जाओ मेरे मुसलमान, कोई टस से मस नहीं हो रहा, हिंदू हमको बर्बाद कर दे रहा है इंडिया में, कोई टस से मस नहीं हो रहा, अमेरिका और जो है मिशन जू और क्रिश्चियनों की मिशनरी हमको बर्बाद करी, बोला कोई टस से मस नहीं हुआ। तो क्यों गुजरात की इम्पोर्टेंस को क्यों नहीं समझ रहे हमारे इंडियंस, क्यों दूसरे स्टेट को ये लोग फेवर नहीं करे अमित शाह और मोदी, और क्यों ये लोग सिर्फ हिंदू मंदिर है क्यों बोल रहे जमीन के अंदर, जबकि हिंदू नाम का कोई मजहब ही नहीं था, हिंदू नाम का कोई वेदास में नहीं है, हिंदू नाम का गीता में नहीं है, तो ये मंदिरों का डिमांड कैसा है लोग कोर्ट में खुबला सकते,
कि ये रिलीजन है करके, जबकि रजिस्ट्रेशन के नाम से हिंदुइज्म नहीं है। रिलीजियस रजिस्टर्ड जैसा एक ब्राह्मण खुद बोला इंडिया के अंदर, मैंने अभी वीडियो देखा उसका, उसने कहा हिंदू नाम का रिलीजन ही नहीं है इंडिया में जो बोल रहे। उसने कहा हम तो माइनॉरिटी में है, और वो बताया जैनिज्म, सनातन धर्म, दलित, हिंदू नाम का कोई मजहब नहीं है। तो कैसा हमारे मुसलमान कोर्ट में वकालत करते वक्त में ये पॉइंट क्यों नहीं देख रहे कि ये मंदिर नाम का कोई गीता ना वेदा में भी है नहीं है। यहां तक कि जो इल्गार करके इंडिया पे हमला किए वो हिसाब से भी नहीं है। अब मैं जो बात तुमको कहना है, मैं 7 निशानियां बता, इंसान मिलके नहीं रहता उसमें, बता के बात खत्म कर रहा हूं। आप गौर करो, तेलुगु फिल्म सरकारी वारी पाटा को बदनाम करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी, रामचरण और जो है अल्लू अर्जुन और पवन कल्याण की फैमिली वाले बदनाम करे सरकारी वारी पाटा, तो अब वहां हिंदू हिंदू टकरारा, हिंदू हिंदू कम्मा वेदा और वो रेड्डी राव बोल के लड़ लेते वहां तेलंगाना में, अब आंध्र प्रदेश में समझो। और ये जो हमारे मोदी जैसे को नेक्सलाइट नहीं मार सकती, इस वास्ते कि नेक्सलाइट एंटी रामाराव के जमाने में चंद्रबाबू नायडू और एंटी रामाराव ने पूरे नेक्सलाइट को आंध्र प्रदेश में मार दिया, वरना वो लोग गरीबों की मदद के लिए अमीरों को मार डाल रहे थे। 1980 की बात करो, आज मोदी अडानी अंबानी जैसे लोगों को पैसा देने से अब कोई नेक्सलाइट नहीं है, इनको कोई भी जो है हुकूमत से नहीं गिरा सकता। ये खुवत को गिराना है तो या तो इनका पैसा छीन लेना रशिया चाइना की तरह, कम्युनिज्म की तरह नेक्सलाइट बन के रेडिकल बन के, या फिर जो है तुम लोग चिप्पा ले लेके अब सरे सर फिरना। इस वास्ते के वनून नाम का एक हिंद वॉइस वाला बता रहा कि इकॉनमी पूरी कुप्पा हो गई, गरीब हो गया मुल्क, और तुम्हारे 1 रुपये में से 20 पैसे सूद के पैसे दे रहे खाली वर्ल्ड वाइड बैंकों को। और एक दीपक शर्मा है, उसने बताया कि गुजरात को ये जो मॉडल बनाता बोला, और वहाँ के स्कूलों में एक टीचर रहता है और उसकी पूरी खस्ता हालत है केजरीवाल, और वहाँ का जो है उनका लीडर आम पार्टी का और एक जो उनका जिम्मेदार है एजुकेशन का, वो लोग जाके गुजरात देखे, गुजरात में बुलेट ट्रेन बोला, गुजरात में स्टेडियम बोला, गुजरात को डेवलप बोला, कुछ भी नहीं करा, खाली नाम का बोला मोदी, लेकिन तुम नहीं मार सकते उसको। इस वास्ते कि रेडिकल रहते तो होता था, रेडिकल को हमारे एंटी रामाराव ने मारा, अल्लाह ने उसको बेइज्जत करा, इस वास्ते उसकी डॉक्यूमेंट्री मूवी भी फिल्म फेल हो गई और उसके खानदान वाले लड़े भी। इंडिया के अंदर बीजेपी मुसलमानों को जो है हार्ड टाइम दिया, बाबरी मस्जिद का अल्लाह ने 13 दिन के अंदर जो है बीजेपी को गिरा दिया था, इससे पहले की अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में। अल्लाह पनिशमेंट देता है, वो बताने के लिए कह रहा हूँ। और फिर तुमको बता रहा हूँ हिंदू हिंदू लड़ लेगा, ये हिंदू में राव रेड्डी कमाज लड़ लेते हैं, अब एक्ट्रेस भी लड़ने ना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि अब नई लड़ाई ये भी हो गई हिंदी बॉलीवुड बोरे और जो है स्टेट लैंग्वेजेस की जो है साउथ की मूवीज की लड़ाई शुरू हो गई। और एक बहुत बड़ी जो इंडिया के अंदर बात है उसको तुम समझना है, फिर मेरा वीडियो मैं बंद कर दूंगा इंशाल्लाह। आपको मैं चैलेंज से कह रहा हूं, चंद दिन के अंदर ये आपको मालूम हो जाएगा कि जी मोदी का साथ कोई नहीं देगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, मोदी का साथ कोई नहीं देगा। अमित शाह, मोदी और योगी मुंह के बल गिरेंगे जैसे बुद्ध गिरते हैं, ये मेरे दावे से चंद साल में मेरा फोरकास्ट, याद रखो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मेरे साथ है। मुसलमान सिर्फ क्या करे कि इनको बताओ कि हिंदुइज्म में मंदिर नाम की कोई लिखा हुआ किताबों में नहीं है, उसकी पूजा करना,
अल्लाहु अकबर।